उधर महाराज राघव मक्ष ने विशेष मुसीबत में डूब करके जो देवराज इंद्र की तपस्या करके अमर ढोल प्राप्त किया था, इस अमर ढोल की तासीर थी कि इसके बजते ही बजते सारे छत्री कायर से बन जाते थे। इस अमर ढोल की मदद से महोबे वाले जवान युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए, आल्हा को कैद कर लिया और जिस समय नैनागढ़ में ले जाकर के राघव मक्ष पहुंचे हैं। उधर ताला सैयद उदल को इशारा देते हैं कि बेटे अब तुम काबली खान बनकर के अपना घोड़ा और आला वाला करलिया बाज लेकर के राजा राघव मक्ष के यहाँ जाओ और आला को निकाल करके लाओ। जब उदल दोनों घोड़ों को लेकर के राघव मक्ष की सभा में पहुंचे हैं दोस्तों, अरे झुकिया दाब करी उदल नी और घोड़न को उठे नचाई और देख कि मोहित राघो हुई गए बोले बाह काबुली खान मोल बताबो इन घोड़न को तो करवाई ले पहचान। अरे उदल बोले सब सुंदर है तुम सुम भौरी छेड़ा कहिलावत ही बदलत कदम कदम पर शाल शाल हो तिरन को बुलवा कर फिर भी लो पहचान कराए। काबली खान के रूप में उदल राघव मक्ष से बात करते हैं लेकिन राघव मक्ष नहीं समझ सके कि उदल है। साल होत्रियों को बुलवा कर घोड़ों की पहचान कराई, चढ़ने वाले जब आए हैं, अरे साल होत्रियन के सुंदर दे पहुंचे चढ़न चढ़ैया जवान और फेंक दुलत्ती हिन हिन करके भोरन तुरंत उठाए पान। जवान आला मेरे यहां कैद है तो राघव आज काबली खान से बोलते हैं, अरे इतनी सुनते ही राघव राजे गई सुध मंडली की आय और ठहरो ठहरो कई उदल से तो वीरन को हुकुम सुनाए जल्दी कैदी महुबे वालों मेरी नजर गुजारो आए। भक्षी में से आल्हा को निकाल करके राज्यसभा के अंदर लाए, आल्हा ने जिस समय अपने छोटे भाई उदल को काबली खान के रूप में देखा तो समझ गए कि अब बंद छूटने का वक्त आ गया। दोस्तों अरे राघव बोले जब या
जाई करही चाहे प्राण रही आ जाई। सवारी करे राघव निकट खान इस पर तुम स्वयं सवार होकर इसके जोहर दिखाओ। अरे जैसी आज्ञा कह पे दुल पे उदल कूद भय असमारी दोनों घोड़ा नाचन लागे रह गौ देख सकल दरबारी। वनाफर अपने दल में पहुंच गए। उधर ताला सैयद ने उदल से कहा कि बेटा अब तुम मछला से एकांत में जाकर के मिलो और जैसे भी हो अमर ढोल को हर तरह से फोड़ डालो तभी हम युद्ध जीत सकेंगे। इशारे की देरी थी दोस्तों। आज उदल अपनी होने वाली भाभी मछला से मिलने के लिए रात्रि के अंधकार में प्रस्थान करते हैं। आरे फांद बेंदुला पे चढ़ बैठे तुरत ही दीनी एड़ लगाई और सर 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 उड़ो बछेड़ा पहुंचो आसमान में जाई। आरे ठीक मछल दे पाबत मछला चौकी लगी उदल को थी घबराई। उदल को रात्रि के समय में अपने राजभवन में देख करके मछला पूछने लगी कि देवर जी एक बात बताओ
कि इस अर्ध निशा के समय मुझसे मिलने की आपने जो कोशिश की है उसके पीछे कारण क्या है। तो उदल मछला से बात करते हुए बोले कि भाभी भाभी भये भव सागर पार पे अंत में डूबत देत दिखाई, अरे धांधु से बैर करो न डरो मिन देखत आपके जीती लड़ाई। अरे अंबर ढोलक मोलम ही प्राण ही पेश रही ता से नहीं जाई, राठौर मिले जब ढोल हमें सब काम बने सो देव बताई। उदल कहने लगे कि भाभी अगर अमर ढोल पर कब्जा हो जाए तो युद्ध हम जीत सकेंगे। तो मछला उपाय बताती है कि देवर जी सुनिए, अरे धीर धरो उतरो मही देवर भीर हरेंगे सभी अधुराई, और काम तमाम बनी तुम्हारे ऐसो उत्तम दे उपाय बताई। अरे प्रातः देवी पूजन को हम जाएंगे मंदिर ढोल बजाई, चैतन्य कहीं बनमाली मिलो और लीजो मोसे ढोल छिनाई। दोस्तों ये भेद लेकर के उदल अपने राज शिविर को लौटते हैं और कुछ जवानों को माली का रूप दे करके उदल स्वयं माली बन जाते हैं। इधर मछला सुबह देवी पूजने के लिए अमर ढोल को लेकर के जब चली है और मंदिर में जब वो सुंदरी पहुंच गई लोगों, अरे भोली उदल से माली शुद्ध मेरी पूजा दे करवाई, उदल बोले मैं देवी की पहले आज्ञा देव बताई। अरे ढोल बजा दे तो मेरा माली पूजा तभी सकेगी पाई, मछला बोली तब उदल से माली नीची जाति कहाई। अरे जो छुहले दे ढोल मेरे को तब सब माया जय है नसाई, पर एक न मानी है रे उदल ने पहुंचे अमर ढोल पे जाई। आप बढ़ के धक्का तो जोगा ने उदल गिरो है ढोल पे जाई, आप देख दशका अमर ढोल में डारो फोरी उदय सिंह राई। भोगा से बोले के ओरे नादानो, अरे माली नहीं कह मऊतल है साची ले तो ससुर के जानी, हमनी मारो है ब्रज नंदन को हम ही बने कबुलिया खानी।
छला को और तमुअन को चले लिवाई। दोस्तों जब मछला के डोला को उदल ने छीन लिया, जोगा भोगा को बंदी बना करके चले, तो मछला ने कहा कि देवर जी, अरे मछला बोली है तब उदल से ये मत करो उदय सिंह राय, सानी तुम्हारी ना इसमें है पर है मेरो भजुरिया नाम। अरे चढ़ के आइयो के नगर में भामर जल गले उडरवाई, ये मन भाई गई है उदल के डोला छोड़ दयो हर साई। यारो जोगा भोगा को संग ले तमु